हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे एक ह्यूमन फेस, बेसिकली एक मेल फेस फ्रॉम डायनामिश स्फीयर। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं वो इंटरमीडिएट हो, उनको ZBrush का इंटरफेस पता हो और इसके कंट्रोल्स वगैरह पता हो। अगर आप एक ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो अभी डायनामिश स्फीयर लेते हैं एक, ये आ गया। पहले हम बिल्कुल लो रेजोल्यूशन से काम करते हैं, बिकॉज हमें स्टार्टिंग में शेप चाहिए होती है, तो उसके लिए लो रेजोल्यूशन के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन होता है तो उसको फिर शेप करने में उसको दिक्कत होती है। तो पहले हम इसको एक ह्यूमन शेप देंगे, ह्यूमन फेस की शेप देंगे, बेसिक शेप जो होती है। हमारे पास कुछ रेफरेंस है, ये नोज़ की रेफरेंस है, ये लिप्स की रेफरेंस है, ये साइड व्यू, ये स्कल रेफरेंस, एंड ये एक आइडिया लेने के लिए कि हम कैसा लुक देना चाहेंगे अपने मैश को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शेप इट, तो उसके लिए हम मूव टूल ले लेंगे। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने कस्टम यूआई बना रखी है तो मैंने अपने सारे ब्रशेज यहाँ पे लगा रखे हैं। अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो आप बी प्रेस कर देंगे, बी से आपका ब्रश टूल, ब्रश मेन्यू खुल जाएगा। फिर उसके बाद जून सा आपको ब्रश लेने से, मुझे मूव टूल लेना है तो एम वी प्रेस कर देंगे तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो ओके, तो प्रेस एस एंड साइज, एक्स फॉर सिमेट्री, ऑफ एंड ऑन। सो लेट स्टार्ट शेपिंग दिस। हमने चिन से स्टार्ट करा है, यहाँ पे हमने चिन निकाली है बाहर, उसके बाद फिर पीछे का स्कल को शेप दिया थोड़ी। साइमल्टेनियसली आपको पूरा लेके चलना है, किसी एक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, साइमल्टेनियसली आप साथ लेके चलेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एक पार्ट पे ध्यान देंगे लेकिन जब हम बिल्कुल डिटेल पे जाएंगे उस वक्त हम ध्यान देंगे। बेसिक शेप कुछ ऐसी होती है ह्यूमन फेस की। ओके, नाउ स्पेस फॉर नेक एंड प्रेस कंट्रोल फॉर मास्क, ये हमारा नेक का एरिया हो जाएगा, एंड कंट्रोल क्लिक फॉर इन्वर्ट, डब्ल्यू एंड एक्सट्रूड। अभी इतना रखते हैं, ये हमारी नेक हो गई। अभी डायनामिश है तो हम कंट्रोल ड्रैग करते हैं तो ये अपने आप ही स्पेसिंग पूरी बना लेता है और पूरा मैश जो है क्लियर आउट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्ले बिल्डअप लिया, इससे हमने स्कल्प्ट करा, कंट्रोल इसने पूरा क्लियर कर दिया, कंट्रोल जेड। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर हमें दिखना स्टार्ट हो चुका है अभी से ही। अब हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे और उसको और शेप देंगे। अगर हम अपने रेफरेंस देखें तो ये हमारी बोन्स हैं, ये चीक बोन है, ये फ्रंटल बोन है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं तो उसकी चीक बोन्स दिखाई गई है यहाँ पर, काफ़ी हाइलाइटेड है, एंड इसकी चिन एंड इसकी जॉ लाइन भी है, तो हमें
अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा. थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ा बॉक्सी शेप है. वैसे ये रियल ह्यूमन फेस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, थोड़ा सा ये कार्टूनिश है क्योंकि रियल में कभी भी इतने हार्ड एजिस नहीं होते, एकदम ऑर्गेनिक होता है रियल फेस. पर हम इसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो हम इसी पे वर्क करेंगे. ओके, तो बेसिक फॉर्म हमने दिखाई शुरू हो गई है. अब हेड पे थोड़ा वर्क. साइमल्टेनियसली हमें सभी जगह ध्यान देना है स्टार्टिंग में, किसी एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना. नाउ ब्लॉक आउट द नोज विथ क्ले बिल्डअप. Here is the knock block out, nose block out, sorry. And you can see that in this side profile, nose is there is a curve. So we have to create that curve. Again, move tool. जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आप धीरे धीरे रेजोल्यूशन इसका बढ़ाते रहिए क्योंकि मोर डिटेलिंग के लिए आपको मोर रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी. ये कुछ ऐसा हो गया है नोज की प्रोफाइल. यहाँ पे हम आई सॉकेट बना देते हैं, आई सॉकेट का ब्लॉक आउट कर देते हैं जिससे कि हमें एक रफ आइडिया मिलता रहे साथ साथ. ये कुछ ऐसे आई सॉकेट्स. अब आई सॉकेट हमने बना दिया तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि कहाँ फोरहेड होना चाहिए और कहाँ नोज होना चाहिए, तो इस वजह से हम इस पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं. इसीलिए हमें साइमल्टेनियसली सब पार्ट्स पे ध्यान देते रहना चाहिए स्टार्टिंग में. ये फोरहेड स्ट्रेट है थोड़ा सा और हमारा लीन है थोड़ा पीछे की तरफ, तो उसको हम स्ट्रेट करेंगे. अभी थोड़ा ऑड लग रहा है लेकिन हम उस पर वर्क करते रहेंगे तो ये ठीक दिखना शुरू हो जाएगा. पर गिव अप नहीं करना क्योंकि हम स्टार्टिंग में जज कर लेते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा नहीं बन रहा, हम गिव अप कर देते हैं, पर वही हमारी गलती होती है. हमें चेंजेस और ट्विकिंग करते रहनी चाहिए अगर हमें कंप्लीट करना है अपना मॉडल, नो मैटर आपको कितना टाइम लगता है स्टार्टिंग में. जस्ट वर्क ऑन बेटर फॉर्म्स.
ओके, तो एक रफ वर्कआउट शुरू हो गया है। ये आईज देख सकते हैं आप, इसके पीछे की तरफ आ रही है थोड़ी सी कर्व, एक स्कल को रैप कर रही है हमारे, तो इसको थोड़ा सा पीछे। ओके एंड नाउ नोज, क्ले बिल्टअप। एंड अगर आप नॉर्मली अगर करेंगे तो ये क्ले बिल्टअप पॉजिटिव में होगा, लेकिन अगर आप प्रेस ऑल्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में स्कल्प्ट करेगा। तो हम नोज़ के लिए कुछ ऐसे कर सकते हैं, प्रेस ऑल्ट फॉर नेगेटिव, एंड ये नोज़ का थोड़ा सा ब्लॉक आउट बन गया हमारा यहाँ पे। अब एक पार्ट है जहाँ पे मैं थोड़ा अटकता था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते थोड़ा बहुत आ चुका है मुझे, वो है लिप्स। लिप्स मेरे से बनते नहीं थे, पर नाउ बाय प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग ऑन इट, आई एम एबल टू क्रिएट देम। इट्स जस्ट अ ब्लॉकिंग एंड डैम स्टैंडर्ड, प्रेस ऑल्ट। ओके, जस्ट अ ब्लॉकिंग, नथिंग सीरियस हेयर। अगेन साइड प्रोफाइल, हेयर इज यू कैन, हेयर यू कैन सी दैट अ वेरी लिटिल गैप बिटवीन नोज एंड लिप्स, सो वी हैव टू अटेन दैट। हेयर इज अवर लिप्स, चिन लुकिंग वियर्ड आई नो, बट दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्ले बिल्ट अप फॉर चीक बोन्स। ओके, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन दी शेप ऑफ आई। नाउ क्ले बिल्डअप टू ब्लॉक आउट दी चीक बोन हेयर। स्विचिंग बिटवीन द ब्रशेस, फोरहेड लुक्स वियर्ड, सो वी हैव टू ब्रिंग इट इन द शेप।
इन इनिशियल स्टेज मूव टूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू शेप अवर मैश, एंड मूव टूल डज इट बेटर. ओके, स्टिल लुक वियर्ड बट अगेन पार्ट ऑफ द प्रोसेस. नाउ लिप्स. Mind the gap between two eyes. It is totally a process of patience. Patience and the knowledge of anatomy, obviously. You have at least a basic knowledge of anatomy. Whenever you try to sculpt human or organic faces, the brows. Still the forehead look odd. Look like a potato. Now I think we have to increase the resolution. 50. Okay. Now try to refine the shapes. For refining, we have to use damn standard. And here now you can see, can feel actually the lips are taking shapes. Okay, now eyes. Eyes, sexy eyes.
here we got some jawline. So for that, here is the jawline. Shift press for smooth. Just try not to overdo the clay buildup because it will mess up with your mesh. Let's give it a shape. Here you can see jawline start to build. Here is our jawline is defined and our cheekbones also. And our silhouette is here, you can see. Just try to be patient, otherwise you will not get the desired results. So here is, we can see that the nose is rounded, not too sharp. So for that, start working on the nostrils and clay build up. Here you can again see the ugly nose, so we have to fix that.
अगेन क्ले बिल्ट अप, ऑल्ट फॉर नेगेटिव, हियर वी गॉट द आई सॉकेट्स एंड here are the lips. Looking weird from side. Here you can see we have a bone, this one, so we have to define that. Shift and nose. Here you can see we have nose bone from here to here and this part is hollow, so we have to create that bone. So just give little bit density here for nose bone. Okay, and here nose loses density, so it's like that. Now I think it's time for ears, for ear block out. So first we have shape this neck. Control for mask.
Now from side I can see that chin is too low, so we have to lift it up a little bit like that. Here control mask. Invert. Remember, it's just a block out. Okay, so we got our ears looking weird, but we have to work on them. Okay, so I guess we have to increase resolution again.
100 आई गेस, नो 80 है, इट इज़ फाइन फॉर नाउ। ओके क्ले बिल्डअप नेगेटिव, क्ले बिल्डअप एंड हेयर वी ऑल्सो हैव अ बोन नेक बोन, सो डिफाइन दैट, नॉट टू मच क्ले बिल्डअप। Let's block out this shoulder bone here. Let's back to our model. Here are our lips. Go definition. Smooth it out.
लेट्स शेप देम हियर। ओके लेट्स शेप द आईज। दिस little part looks weird, so work on that. So you can see the process, how far we have come. Here already we have done our 1516 steps. So from a sphere we have come this far. Good. Actually, this is the source of motivation. We want to continue this project. So हम ear पे work करते हैं। Ear की forms पे और ध्यान देते हैं थोड़ा। मेरे पास थोड़ी कम reference है। हम इसमें और reference add कर सकते हैं, पर अभी के लिए इसी से काम चल जाएगा। So come back to ear, clay build up. Actually, I have to tell something you after we have completed the ear, but not now. And if you have come this far in this video, then thank you for watching the video. Thanks for giving your precious time and do subscribe. Like the video. If
you want me to do more tutorials like this, sorry for my sluttering tongue. This part we are going to define this part. For more talk you can connect pata nahi kya ho gaya mujhe. For more talk you can connect with me on Instagram, prathamart_704. Actually this is my first ZBrush tutorial, so I'm kind of nervous, you can say. Because I don't know how to teach, but I'm trying my best. इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो. ओके सो लेट्स डिफाइन दिस अपर एरिया. लाइक आई से साइमल्टेनियसली I got a phone call. Pretty good. We have come so far. Let's back on our sexy model. I think we have to increase the resolution now 100. 104, okay. Shift F for the wireframe. It's pretty neat for now.
बट इट्स एक्चुअली इट्स अ मैस बट इट्स अ स्टार्टिंग प्रोसेस सो इट लुक्स नीट बट वी हैव टू वर्क ऑन दिस इन कंपैरिजन ऑफ माय अदर मॉडल्स एंड वर्क प्रोसेस आई सेड दैट दिस इज़ नीट एक्चुअली दिस इज नॉट नीट बट इन कंपैरिजन ऑफ दैट दिस इज नीट सो डोंट जज मी You have to practice more and more to get precise shape. Without practice, it's not possible. It looks easy that we have when we saw time lapses and a trained artist doing that. It looks so easy, but actually, it's not. It's a hard work behind that artist. Hours of hard work which make it looks easy which is actually not easy so yeah to achieve that you have to work on this obviously and this is for everything not for ZBrush or not for artist this is for everyone Let's create this reason. Smooth it now for now. Smooth it for now. Create that partition between these two mesh, human mesh.
ऑल्ट फॉर नेगेटिव, so now the eyeballs, I guess we have to put them. सब टूल अपेंड स्फीयर, दिस इज फॉर सेंटर पिवट, नो वी हैव टू शेप अकॉर्डिंगली विद दैट eyeball. Now in eye you can notice that there is a ridge. Okay, so this is not a clear reference. There is a ridge and there is a little bulk, and here we got this bulk here, so we have to work on it accordingly, trim for that. दी स्मॉल थिंग्स वर्क अलॉट, हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, तभी जो एक स्कल्पचर है वो लाइफ तक आ पाता है. ये लगती छोटी छोटी चीज़ें हैं पर इनका बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है एक मॉडल पर, बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा. तो हमें इन पर ध्यान देना पड़ता है.
So you can see in nose there is a curve which wraps around the skull. So we have to bring that curve in our nose. And there is a bone which you can feel with your finger. So I try to replicate that bone, not too much but a little bit, depend on human to human. So in lips you can see that this is a ridge which is major here and minor here. So ये ridge आगे आते आते एकदम fade हो जाएगी और ये bump में बन जाएगी इधर. तो हम इसको replicate करने की कोशिश करते हैं. उसके लिए हम resolution बढ़ा लेते हैं dynamesh का, I guess 150. Okay. So this ridge part, let's take clay build up. Here you can see that bump we have created, but not too detailing because it's initial, we are in our initial stage, so little bit is okay. थोड़ा ठीक लग रहा है. अब हम नोज पे थोड़ा वर्क करते हैं. यहाँ पे हमें नोज की शेप मिल गई है और हम अब इसको अकॉर्डिंगली अपने रेफरेंस के हिसाब से शेप कर सकते हैं. मैं थोड़ी और रेफरेंसेस ऐड करता हूँ जिससे कि हमें इजी रहेगा. सो यहाँ पे मैंने और रेफरेंसेस ऐड कर दी हैं, जैसे ये मैंने इसके रिजेम्बलेंस में ली है, थोड़ी इससे मैच हो रही है ये. और नोज़ के लिए लिया है रेफरेंस ये रैप जिसकी मैं बात कर रहा था, रैप अराउंड टूथ सिलेंडर.
थोड़ा कर्व होता है यहाँ पे, और ये फोरहेड, ये वाली बोन जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे। ओके सो लेट्स रिफॉर्म द शेप अगेन, द फेस इज क्वाइट बॉक्सी, सो वी हैव टू क्रिएट अ बॉक्सी स्ट्रक्चर, मीन्स अ स्क्वायर शेप, नॉट टू मच, जस्ट अ लिटल बिट। Here we go. It looks pretty nice. Okay, so for eye, you can see that. There is a partition between chin and the eye portion. So standard brush, alt for negative, just a little bit, not too much. अगेन वर्क ऑन ईयर्स, सो यू कैन सी हाउ वी आर increasing resolution step by step as we think we need to increase the resolution. एंड यहाँ पे जो ये दिख रहा है थोड़ा सा हाईलाइटेड है, ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर को है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसको शेप दे देते हैं मूव टूल से, ये शेप मूव टूल से आ चुकी है, तो यहाँ पे उसकी स्टैंडर्ड ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे ख्याल से। ओके सो हमारा ईयर भी जो है थोड़ा शेप में आने लग गया है, स्मूथ कर देंगे इसको यहाँ से। उप्स,
ईयर्स काफ़ी सही लग रहे हैं हमारे अभी, बाकी हम इसमें और डिटेलिंग्स ऐड करते रहेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। नाउ अदर फॉर्म्स लाइक लिप्स, काफ़ी हद तक हमारे लिप्स जो है वो डिफाइन हो चुके हैं। दिस पार्टीशन ये जो रिज आप देख रहे हो ये यहाँ पे स्मूथ है और फिर आगे जाके ये थोड़ी हार्ड हो रही है, जस्ट लाइक दैट। ओके सो लिप्स में हम देखते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा स्टफ्ड है जो हमारा लिप है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड टूल यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ्लैट लग रहा है ये पूरा, और जो जो स्टफीनेस है लिप्स में, ये स्टफनेस जो है इसको हम स्टैंडर्ड टूल से कर सकते हैं। सी यू कैन सी द डिफरेंस, इट लुक्स मोर रियलिस्टिक नाउ कंपेयर टू दिस वन। So we have to work on these small details to get our desired results. Again, same for the upper lip. And you can see it looks better. ओके सो जो हम करेक्टर बना रहे हैं उसके काफ़ी काफ़ी ज़्यादा शार्प फीचर्स हैं, जैसे आप आईब्रोज देख सकते हैं और नोज़ देख सकते हैं, लिप्स देख सकते हैं, काफ़ी शार्प फीचर्स हैं, तो उसके हिसाब से हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। इसके फीचर्स भी हमें शार्प रखने पड़ेंगे, तो आई गेस हमें दूसरी आईब्रो बुला लेनी चाहिए। जी प्लग इन सब टूल मास्टर मिरर। ओके सो हमारी दूसरी आईब्रो आ चुकी है, सॉरी आईब्रो नहीं, सॉरी आई बॉल।
टू बी वेरी प्रिसाइज फॉर दीज थिंग्स. ओके सो अगेन आई थिंक दिस पार्ट इज लिटिल बैकवर्ड. ओके नाउ चीक्स चीक बोन स्मूथ इट आउट. जॉ लाइन स्मूथ इट आउट. इट्स टू शार्प सो कंट्रोल सेट. हियर वी गो. ओके स्टिल इट्स टू शार्प. To work more on the lips. This thing is a little bit upward. Like that. Nose is too sharp, I guess. So let's work on this. Switch back to the side pose. Here we got that bone, and again lose that volume because it's hollow from here. So we have the defined nose, we can say that our nose is pretty much defined. Okay, it looks fine. Now we have to work on the small details like these and other small details like brows. Here is the brows and there is a partition between eyelid and brows. So
something like this, something like this, I guess. Okay, I can see. Obviously, it's not a clear image. I have to choose a. Okay, here you can see that eyelid, and there is a little of skin overlapping the eyelid. So we have to make that. So for that, mask this out. Invert. Create that skinny part above the eye. So here we go. Smooth it out. Let bring it little down. To get more realism, smooth it out. It's too sharp. So make it smooth. I think for this we have to increase the resolution again. Okay, now we have to define this piece like that. And this face, okay. This cheek looks weird. No, so we have to fix that. Okay, now it's look appealing. But let's see our reference eyes, it's not that much bulky. So make it like that. Here we go. So I think here's a time. We have to increase the resolution. Okay, so resolution, symmetry, dynamesh. Let's do it 200. Cool. So always it makes us satisfying while looking back. So see, I saved it as a tool so it erases all the back history, but no problem, we have the recording, so cool.
लेट्स क्रिएट दिस Okay, now it's time for detailing. Now you want to see wireframe, so here the more matched up wireframe. No problem. Okay, that's why we do retopologize. But in this video we can't do because this is just a face, human face sculpting. Little bit of wider mouth, so we have to make it little bit wide. Like that. Smooth it. Okay, so it's looking good. Now ear is looking well defined. So मैंने बोला था जब ear हम बना रहे थे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन ear बनाने के बाद तो हमारे पास brush में जाके हमारे पास already body parts हैंगे, torso है, head है, male head है,
लिप्स है, नोज़ है एंड ऑब्वियसली ईयर भी है। सो हम यहाँ से ले सकते हैं। एक्चुअली जब हमारे पास बहुत सारा वर्क होता है या फिर हमें ईयर बनाना आता है, हमें पता है हम बना लेंगे और हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ से पार्ट्स उठा सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि स्टार्टिंग में आप खुद ट्राई करें, जिससे कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें बेस मॉडल नहीं मिलता, हमें बेस मॉडल नहीं यूज़ करना पड़ता, हमें डायनामिक से स्कल्प्ट करना पड़ता है पूरा, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो इस वजह से जब नीड हो तब यूज़ करें, अदरवाइज़ आप खुद स्कल्प्ट करने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और ईजी रहेगा आपके लिए फ्यूचर में। सो बस यही रास्ता जो खोल दिया है। ओके। बड़ा खुलासा। होप कोई जो लोग देख रहे हैं किसी को पता भी हो, बहुत लोग जो देख रहे हैं। पहले बहुत लोग देखे तो अभी नया चैनल है मेरा, और कईयों को नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया, मे बी दैट विल हेल्प। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ट्राई करूँगा पूरा रिप्लाई करने की, हेल्प करने की। सो या टू शार्प मेक इट स्मूथ। ओके सो नाउ इट्स लुकिंग अपीलिंग एंड ट्राई टू ऑब्जर्व एंड कैच मोर एंड मोर फीचर यू कैन ट्राई टू कवर ऑल द डिटेल्स whether it's small or big। Because these details make it looking dope। Trust me, these small details। Make it look amazing। Okay, so we have reached here. Now let's try here. Actually, I'm a little bit confused if I do hair tutorial in this or not, because okay, let me know in the comment section if you want more
if you want me to work more on this mesh, I guess मैंने आपको बता दिया कि जितना मुझे इसमें लगा कि बेस मैश को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन में, जो मैं आपको डिटेल्स बनाने की कोशिश करी है। तो अगर आप चाहते हो इसमें और डिटेल्स ऐड करूं और मैं उसकी वीडियो बनाऊं, तो मुझे प्लीज़ बताइए। सो आई गेस वी हैव टू एंड दिस हेयर। दिस इज जस्ट अ स्मॉल sneak peek, you can say, but yes, we covered lot in this tutorial. Okay, so bye, signing out.